सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। उम्मीद यही की जा रही है कि सुशांत को देर से ही सही अब इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस बीच सुशांत के केस में हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने अब इस मामले में नया खुलासा किया है। उन्होंने जो जानकारी दी है वह परेशान करने वाली है। विकास सिंह ने अप्रैल 2019 की उस घटना का जिक्र किया है जो सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच घटी थी। वह बताते हैं कि उस पहली मुलाकात में ही रिया ने सुशांत और उनकी बहन के बीच रिश्ते खराब करने की कोशिश की। विकास ने एक इंटरव्यू में बताया है कि यह पहला मौका था जब सुशांत और उनकी फैमिली की मुलाकात रिया से हो रही थी। विकास सिंह का दावा है कि रिया चक्रवर्ती पहली बार सुशांत से 14 अप्रैल 2019 को एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिली थी और इसके अगले ही दिन वह सुशांत के बांद्रा वाले घर पहुंच गए। वहां रिया की मुलाकात सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति से भी हुई। इस मुलाकात की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन एक हफ्ते बाद 21 अप्रैल को चीजें खराब हो गई। सुशांत को रिया ने बताया कि उनकी बहन ने उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की है। बताया जाता है कि इसके बाद सुशांत अपनी बहन प्रियंका पर काफी गुस्सा हुए थे। अपने इंटरव्यू में वकील विकास सिंह ने इस किस्से का विस्तार से जिक्र किया है। वह कहते हैं 19 तारीख को प्रियंका और उनके हस्बैंड दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, लेकिन सुशांत ने अपनी बहन से कुछ और दिन रुकने की जिद की और कहा कि वह भी उनके साथ दिल्ली चलेंगे। इसके बाद प्रियंका की फ्लाइट लास्ट मोमेंट पर कैंसिल की गई, जबकि उनके पति वहां से दिल्ली निकल गए। 19 तारीख को ही सुशांत ने एक प्यारा सा इमोशनल लेटर प्रियंका के लिए लिखा था और वहां रिया भी मौजूद थी। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को रिया ने सुशांत और प्रियंका से कहा कि आज उनके भाई शौविक का बर्थडे है, वो लोग एक पार्टी करने वाले हैं। रात काफी हो चुकी थी, प्रियंका और सुशांत थक गए थे। ऐसे में सुशांत ने कहा कि वह सोने जा रहे हैं, लेकिन रिया ने तब उनसे जिद की और पार्टी में चलने के लिए कहा। इसके बाद रिया, सुशांत और प्रियंका तीनों पार्टी में पहुंचे। रिया ने इस दौरान प्रियंका से यह भी कहा कि वह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिनमें वो चार लोग ही रहेंगे। जब ये सभी लोग इवेंट में पहुंचे तो प्रियंका ने रिया के भाई शौविक को बर्थडे विश किया, जबकि शौविक ने कहा कि आज उनका बर्थडे है ही नहीं, लेकिन वो लोग इस रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पार्टी करेंगे। पार्टी के बाद रिया भी सुशांत के घर आ गई, प्रियंका सोने चली गई और रिया सुशांत आपस में बातें करने लगे। 21 अप्रैल 2019 की सुबह जब प्रियंका सोकर उठी तो रिया वहां मौजूद नहीं थी, जबकि सुशांत काफी गुस्से में थे। रिया ने उस रात सुशांत से कहा था कि बर्थडे पार्टी के बाद प्रियंका ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की। और तो और 18 से 19 अप्रैल को सुशांत के घर में ही उनकी बहन प्रियंका ने रिया को मोलेस्ट भी किया। वकील विकास सिंह कहते हैं कि सुशांत को रिया की बातों पर यकीन हो गया था, जबकि प्रियंका को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सुशांत इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि वह शांति चाहती थी, इसलिए चुपचाप वहां से निकल गई। प्रियंका जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने यह सारी कहानी अपने पति को कहकर सुनाई। उनके हस्बैंड ने कहा कि यह बात सरासर गलत है, क्योंकि 18-19 को वह भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने सुशांत से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सीधे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सुशांत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वकील विकास सिंह ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद सुशांत और उनकी बहन में महीनों तक कोई बातचीत नहीं, जबकि नवंबर महीने में एक्टर को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद अपनी बहन से माफी मांगी। बताया जाता है कि सुशांत ने रिया से भी इस बारे में पूछा था कि उन्होंने बहन प्रियंका सिंह पर मोलेस्टेशन जैसा गंभीर आरोप क्यों लगाया। वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि सुशांत को इस घटना के बाद यह इशारा मिल चुका था कि रिया उनके और उनकी फैमिली के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब इस कहानी में कितनी बातें सच हैं और कितनी गलत, यह जांच का विषय है। मामला अब सीबीआई के पाले में है, इसलिए उम्मीद यही है कि तमाम चर्चाओं और राज से जल्द ही पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।